हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो आज मैं लेकर आया हूं एक वीडियो विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग जॉन पर। जैसा आप जानते हैं कि जो हिस्ट्री प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के 10 हैं और उनमें से 8 पर हम वीडियो बना चुके हैं। हमने वीडियो बनानी शुरू करी थी हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, रिचर्ड थर्ड और हेनरी एट्थ। ये 8 वीडियोस चैनल पर पहले से हैं। जो क्रोनोलॉजिकली देखें तो स्टार्टिंग के 2 प्लेस पर वीडियो नहीं थी, एक किंग जॉन और अभी रिचर्ड सेकंड। तो किंग जॉन पर आज ये वीडियो आ गई है और रिचर्ड सेकंड पर भी जल्दी वीडियो आएगी। फिर वो पूरे के पूरे 10 हिस्ट्री प्लेस जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे विलियम शेक्सपियर के। अगर आपने अभी तक वो 8 वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसका जो लिंक है वो आई बटन पर ऊपर आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस बेहतरीन कहानी को। और एक इन्फॉर्मेशन है कि यूपी टीजीटी के बैचेस बने हुए हैं, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी पीजीटी का एक नया बैच बन रहा है 1 जून से। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किंग जॉन। इंग्लिश कोर्ट में फ्रांस से एक मैसेंजर आता है और डिमांड करता है कि इंग्लैंड के राजा किंग जॉन गद्दी छोड़ दें। फ्रांस के राजा किंग फिलिप अपने भांजे आर्थर को इंग्लैंड का राजा बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आर्थर गद्दी का असली वारिस है। फ्रांस के राजा किंग फिलिप ने इंग्लैंड के राजा किंग जॉन को यह मैसेज भी भिजवाया था कि अगर वो गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो वह इंग्लैंड के खिलाफ एक जंग छेड़ेगा। इंग्लैंड के राजा किंग जॉन हेनरी सेकंड के तीसरे बेटे हैं। इनका बड़ा भाई रिचर्ड, जिसे द लॉयन हार्टेड कहते हैं, इनसे पहले इंग्लैंड के राजा थे। लीगली जॉन के मरे हुए बड़े भाई जॉफरी का बेटा आर्थर राजा बनना चाहिए था, लेकिन जॉन ने खुद गद्दी हथिया ली थी क्योंकि रिचर्ड ने उसे अपॉइंट किया था। तभी से इसके रूल की लेजिटिमेसी यानी वैधानिकता सवालों के घेरे में है। जॉन अपनी गद्दी बचाने के लिए वॉर में जाने को खुशी खुशी तैयार है। द बास्टर्ड, जो रिचर्ड द लॉयन हार्टेड का नाजायज बेटा है, वह अपने भाई के साथ इस स्टेज पर आता है। नाजायज बेटा होने के बावजूद उसे अपने पिता की लैंड्स विरासत में दी जाती है। किंग जॉन उसके हक में कानून बनाते हैं कि जमीनों पर इसी का हक है, क्योंकि किसी माँ का बेटा पिता का वारिस होता है, भले ही उसका असली पिता कोई भी हो। जॉन की माँ एलेनोर द बास्टर्ड को पसंद करती हैं क्योंकि वह उनके बेटे का बेटा है, यानी उनका पोता है, भले ही नाजायज हो। एलेनोर द बास्टर्ड से कहती हैं कि वह अपनी लैंड्स अपने छोटे भाई को दे दे और वह द बास्टर्ड ऑफ रिचर्ड द लॉयन हार्टेड नाम से सेना में एक नाइट बन जाए। वह एग्री हो जाता है और किंग जॉन उसे नाइट की उपाधि दे देते हैं। वहीं फ्रांस में किंग फिलिप इंग्लैंड के एक टाउन एंगर्स पर हमला करने की तैयारी करता है, बशर्ते कि वहां के लोग आर्थर को अपना राजा मान लें। जॉन और उसकी सेना भी एंगर्स आती है। आर्थर की माँ किंग जॉन की भाभी और किंग फिलिप की बहन कॉन्स्टेंस का सामना किंग जॉन और अपनी सास एलेनोर से होता है। कॉन्स्टेंस ने ही राजा फिलिप को अपने बेटे के हक में लड़ने के लिए तैयार किया है। उन्होंने अपने भाई से मदद मांगी है। कॉन्स्टेंस और एलेनोर एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं और दोनों तरफ के मेंबर्स गर्मा गर्म बहस करते हैं। हर राजा एंगर्स के सिटीजन्स को उसे ही इंग्लैंड का असली राजा मानने को कहता है, लेकिन सिटीजन्स कहते हैं कि वे उसे ही राजा मानेंगे जो राइटफुल होगा। दोनों आर्मीज लड़ना शुरू करती हैं। दोनों आर्मीज की ताकत बराबर होने की वजह से कोई भी वॉर नहीं जीत पाता। एंगर्स के सिटीजन्स अभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। द बास्टर्ड सजेस्ट करता है कि इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं मिलकर एंगर्स के एहसान फरामोश नागरिकों को सबक सिखाएं और फिर बाद में आपस में लड़ें। वे तैयार हो जाते हैं और एंगर्स पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस पॉइंट पर एंगर्स के सिटीजन्स एक दूसरा प्लान सजेस्ट करते हैं कि फिलिप के बेटे लुइस की शादी जॉन की भतीजी ब्लांशे से कर दी जाए। ऐसा करने से दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा। इस पर लुइस और जॉन खुश हो जाते हैं क्योंकि यह शादी गद्दी पर जॉन के दावे को और मजबूत करेगी और वहीं लुइस को फ्रांस की उन टेरिटरीज पर कब्जा मिलेगा जो इंग्लैंड के अधीन थी।
कॉन्स्टेंस इस समझौते से दुखी हो जाती है और फिलिप के ऊपर आरोप लगाती है कि तुमने हमारा यानी उसका और आर्थर का साथ छोड़ दिया, जबकि हम इंग्लिश थ्रोन यानी इंग्लैंड की राजगद्दी पर तुम्हारे बेहतर साथी साबित होते। सही बात भी है, वो उसकी बहन है, बहन का बेटा भांजा अगर राजा बनता तब भी इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंध रहते इसके, लेकिन इसने अपनी बेटी की शादी किंग की भतीजी ब्लांचे से करना चुना। राजा फिलिप का बेटा लुईस किंग जॉन की भतीजी ब्लांचे से शादी कर लेता है। इस तरह लुईस इंग्लिश क्राउन का एक दूर का वारिस बन जाता है। दूसरी तरफ पोप किंग जॉन के पास अपना एक मैसेंजर भेजते हैं जिसका नाम पेंडोल्फ है। पोप अपने एक खास को इंग्लैंड का आर्क बिशप बनवाना चाहते थे, लेकिन जॉन पोप के इस ऑर्डर को मानने से मना कर देता है। पेंडोल्फ किंग जॉन को एक्सकम्युनिकेट कर देता है यानी धर्म से निकाल देता है और लुईस को जिम्मेदारी सौंपता है कि वह किंग जॉन को गद्दी से उतार फेंके। फिलिप जो लुईस और ब्लांचे की शादी के बाद जॉन का रिश्तेदार हो गया है, वह इस काम से अपने हाथ खींच लेता है। दरबार के दरबारी किंग फिलिप को समझाते हैं कि यह अच्छा मौका है कि इंग्लैंड पर हमला किया जाए। वहीं पेंडोल्फ किंग फिलिप को याद दिलाता है कि फ्रांस के चर्च के साथ टाइज हैं जो उसके और जॉन के रिश्ते की वजह से खतरे में पड़ सकते हैं। यानी चर्च मजबूर कर रहा है किंग फिलिप को कि वो या तो इंग्लैंड के साथ अपनी रिश्तेदारी निभाए या चर्च के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखे। पेंडोल्फ यह भी धमकी देता है कि पोप उसको भी एक्सकम्युनिकेट कर सकते हैं। फाइनली फिलिप मान जाता है और जॉन के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देता है। ब्लांशे अपने आप को उलझन में पाती है कि वह अपने परिवार का साथ दे या अपने नए पति का। किंग जॉन और इंग्लैंड की गद्दी के एक और दावेदार उनके भतीजे आर्थर के बीच एक इनकॉन्क्लूसिव बैटल होता है, जिसमें किंग जॉन जीत जाते हैं और आर्थर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉन इंग्लैंड जाने की तैयारी करता है। वह इंग्लैंड के शासन वाली फ्रेंच टेरिटरीज का इंचार्ज अपनी माँ को बनाता है। वह द बास्टर्ड को इंग्लैंड की मोनेस्ट्रीज में से टैक्स जमा करने को भेजता है। जॉन अपने एक दरबारी ह्यूबर्ट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वह आर्थर का ध्यान रखे और मौका देखकर उसका इलाज कर दे। वहीं दूसरी तरफ पेंडोल्फ फ्रांस को एनकरेज कर रहा है कि वह इंग्लैंड के साथ वॉर लड़े। पेंडोल्फ कहता है कि लुईस भी अब वही दावा इंग्लैंड की गद्दी पर कर सकता है जो दावा आर्थर करता था, क्योंकि उसने इंग्लिश रॉयल फैमिली की एक ब्रांच की लड़की ब्लांचे से शादी की है। सही बात है, ब्लांचे भतीजी है, आर्थर भतीजा था किंग जॉन का, तो इसी वजह से लुईस जो है वो इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए बिल्कुल काबिल है और वो इंग्लैंड का राजा बन सकता है ब्लांशे से शादी करने की वजह से। बस लुईस एनकरेज हो जाता है और वो इंग्लैंड पर अटैक करने को तैयार हो जाता है। ह्यूबर्ट आर्थर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इनोसेंस से वह इतना एंचेंटेड होता है कि वह उसे मार नहीं पाता। वह आर्थर से कहता है कि किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि तुम जिंदा हो। वहीं दूसरी तरफ दरबार में जॉन के दरबारी जॉन को इस बात के लिए मना लेते हैं कि वे आर्थर को रिहा कर दे। जब ह्यूबर्ट यह रिपोर्ट लेकर आता है कि आर्थर मर गया है, तब दरबार के लॉर्ड्स को लगता है कि आर्थर की हत्या कर दी गई है, तो वे लोग किंग जॉन को छोड़ देते हैं और लुईस की आर्मी में जाकर मिल जाते हैं। द बास्टर्ड मोनेस्ट्री से वापस लौटता है और आकर किंग जॉन को बताता है कि लोग खुश नहीं हैं। लोग खुश नहीं हैं कि वे मोनेस्ट्रीज को लूट रहे हैं। लोग तो यह भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब किंग जॉन का डाउनफॉल होने वाला है। किंग जॉन ह्यूबर्ट पर चीखते हैं और कहते हैं कि उनका मतलब आर्थर को मारना नहीं था, उसने गलत आदेश सुना था। ह्यूबर्ट किंग जॉन को सच बताता है कि आर्थर जिंदा है। जॉन उसे जल्दी से नाराज लॉर्ड्स के पीछे भेजता है कि उन्हें बताओ कि आर्थर जिंदा है। आर्थर इंग्लैंड से भागने की कोशिश करता है और पागलपन में महल की दीवार से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दरबार के लॉर्ड्स का सामना आर्थर की डेड बॉडी से होता है। डेड बॉडी को देखकर लॉर्ड्स सोचते हैं कि आर्थर को बहुत बुरी तरह मारा गया। ह्यूबर्ट आता है और आर्थर के जिंदा होने की खबर लॉर्ड्स को देता है। लॉर्ड्स आर्थर की डेड बॉडी की तरफ उसका ध्यान खींचते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि आर्थर को उसी ने मारा है। ह्यूबर्ट कहता है कि जब वह यहां से गया था तो आर्थर जिंदा था। लॉर्ड्स उसकी बात नहीं मानते और वे लुईस से मिलने निकल पड़ते हैं। जॉन पेंडोल्फ के साथ एक डील करता है। वह कहता है कि वह पोप की बात मान लेगा अगर पेंडोल्फ फ्रेंच आर्मी को रोक दे। द बास्टर्ड आता है और लॉर्ड्स के चले जाने की खबर देता है। जॉन द बास्टर्ड को पेंडोल्फ के साथ हुई डील को बताता है। द बास्टर्ड फ्रांस से लड़ना चाहता है और वह चाहता है कि वह जॉन की आर्मी को इस वॉर में लीड करे।
जॉन के नाराज लॉर्ड्स लुईस के लिए वफादारी की कसम खाते हैं। पेंडोल्फ आता है और कहता है कि जॉन ने यानी इंग्लैंड ने पोप के साथ अपने मसले को सुलझा लिया है, इससे लुईस को अब इंग्लैंड पर अटैक नहीं करना चाहिए। लुईस कहता है कि वह किसी से ऑर्डर नहीं लेता। द बास्टर्ड लुईस से बात करने आता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कदम पीछे नहीं खींचे तो उसे भारी तबाही उठानी पड़ेगी। दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं। वॉर में एक फ्रेंच लॉर्ड मेलिन घायल हो जाता है और वह इंग्लिश लॉर्ड्स को बताता है कि लुईस वॉर जीतने के बाद सभी इंग्लिश लॉर्ड्स को मार डालेगा। वह उनसे जॉन को रिजॉइन करने को कहता है और इंग्लिश लॉर्ड्स ऐसा ही करते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह वापस अपने देश जाकर किंग जॉन के प्रति निष्ठा की कसम खाते हैं। लुईस के रीइन्फॉर्मेंट्स समुंदर में तबाह हो जाते हैं और उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ द बास्टर्ड ह्यूबर्ट से मिलता है। ह्यूबर्ट खबर देता है कि किंग जॉन को मॉनेस्ट्री में एक मॉन्क के द्वारा जहर दे दिया गया है, क्योंकि मॉन्क्स जो थे वो गुस्सा थे कि राजा मॉनेस्ट्री से टैक्स वसूल रहा है। आज तक ऐसा किसी राजा ने नहीं किया था कि उसने किसी धार्मिक स्थल से टैक्स वसूला हो। इंग्लिश लॉर्ड्स और किंग जॉन के बेटे प्रिंस हेनरी अपने बीमार राजा जॉन के पास आ जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी चिंतित हैं क्योंकि राजा को जहर दे दिया गया है। द बास्टर्ड खबर देता है कि उसने बहुत सारे सैनिक गवा दिए हैं जो समुंदर में तूफान में डूब गए थे। जॉन मॉन्क के जहर से मर जाते हैं। द बास्टर्ड लुईस पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी पेंडोल्फ की तरफ से पीस ट्रीटी यानी शांति संधि लेकर आता है। वॉर टल जाता है। द बास्टर्ड और इंग्लिश लॉर्ड्स हेनरी के प्रति यानी किंग जॉन के बेटे प्रिंस हेनरी के प्रति अपनी वफादारी की कस्में खाते हैं। द बास्टर्ड इंग्लैंड की जनता को एड्रेस करता है और कहता है कि अब से कोई भी देश इंग्लैंड पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा, बशर्ते कि हम अपने इंटरनल स्ट्राइफ यानी कि आंतरिक संघर्ष को रोक पाएं।